गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रिजवानुद्दीन है। मैं रीजनल कमिश्नर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जम्मू कश्मीर और लद्दाख हूँ। फिलहाल मेरा मकसद यहाँ आने का, ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत तीन स्कीम्स हैं, प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन स्कीम एंड इंश्योरेंस स्कीम। इन तीनों स्कीम्स का फैसिलिटेशन हो यहाँ पे, इनका इनके बारे में लोगों को जानकारी मिले, जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं, इस मकसद से मैं यहाँ आया हूँ। और दूसरा यहाँ पे मेरा मकसद था कि जो भी ग्रीवेंसेस हैं लोगों की, ऑन द स्पॉट सेटलमेंट हो सके। निधि, आपके निकट के थ्रू मैंने यहाँ तीनों स्कीम्स के तहत जो भी लोगों के इश्यूज हैं वो अटेंड किए रीजनल ऑफिस में। कल भी मैं बैठा था, आज भी बैठा हूँ, कल सुबह भी मैं 9:30 बजे से वहां अटेंड करूंगा। तो जो स्कीम्स हैं वो है प्रोविडेंट फंड स्कीम, जो नॉर्मली पहले भी लागू थी जेके दोनों यूटीज में। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद से नवंबर 2019 से पीएफ एक्ट लागू हो चुका है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। दो इम्पोर्टेंट और स्कीम्स हैं, जो इम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम यहां पे इम्प्लीमेंटेड है, और पेंशन का बेनिफिट सारे ही वर्कर्स को, जो लोग भी मेंबर्स हैं ईपीएफ के उनको पेंशन का राइट एंटाइटलमेंट हो चुका है। यहां पे पेंशन स्कीम में किसी भी वर्कर को 10 साल तक अगर काम करता है तो सुपर एन्यूएशन पेंशन का प्रोविजन है। इन द इवेंट ऑफ डेथ, एक दिन में अगर पीएफ का पैसा जमा, पेंशन का पैसा जमा हुआ है, तो फैमिली को लाइफ लॉन्ग विडो को पेंशन और बच्चों को 25 साल तक की पेंशन का प्रोविजन है। इंश्योरेंस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी, ऑल प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज जितने भी प्राइवेट सेक्टर के हैं, गवर्नमेंट के भी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, रोडवेज वाले जुड़े हुए हैं, उन सबको इसका बेनिफिट है। एसआरटीसी या और भी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, इन सबके लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। इंश्योरेंस में मैक्सिमम 7 लाख तक का बेनिफिट होता है, और कोई वर्कर 1 साल तक अगर कंट्रीब्यूशन देता है प्रोविडेंट फंड में तो उसको मिनिमम 2.5 लाख इंश्योरेंस है अगर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बेसिक स्कीम्स हैं। एक मेरा यहाँ पे प्रयोजन ये भी है कि हम ई नॉमिनेशन अभी हमारा बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रहा है, तो सारे वर्कर्स से मेरी गुजारिश है कि अपना अपना ई नॉमिनेशन करें, अपने यूनिवर्सल अकाउंट से मैं का पासवर्ड डाल के जब वो सिस्टम में जाते हैं तो उनको सिस्टम खुद पूछता है कि वेदर यू वॉन्ट टू डू ई नॉमिनेशन। ई नॉमिनेशन मैनेज टैब के थ्रू करें, नॉमिनी का फोटो जेपीजी फॉर्मेट में, आपके यहाँ अगर एस्टैब्लिशमेंट आपकी पीएफ एक्ट में कवर्ड है वो तब कवर होती है यदि नवंबर 2019 से पहले 10 लोग थे तो उस पर एक्ट लागू था जेके ई पीएफ एक्ट, वो एस्टैब्लिशमेंट कवर थी, उसका डेटा ट्रांसफर होकर ईपीएफओ में आ गया है। आप अगर इम्प्लॉई हैं और एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड है तो आपको मैंडेटरी मेंबरशिप बनानी चाहिए, उनको देना चाहिए, अगर सैलरी 15,000 रुपये से कम है आपकी बेसिक और डीए। लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट कवर नहीं है और वहां पे 20 आदमी हैं आज की डेट में जो कि न्यूली एस्टैब्लिश्ड एस्टैब्लिशमेंट, वहां पे पीएफ एक्ट लागू होता है, ईपीएफ एक्ट। अगर 10 लोग थे नवंबर 10, 2019 से पहले तो उस पर एक्ट लागू होता है, पीएफ एक्ट जेकेएफ लागू था, उन लोगों को मैंडेटरी अपने वर्कर को पीएफ देना चाहिए। अगर कोई इशू है, नहीं कोई इसको करता है तो हमारे पास अप्रोच कर सकते हैं, हमारे ro.jammu@epfindia.gov.in पे कर सकते हैं, ro.kashmir@epfindia.gov.in, 6006567049 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। वी विल एग्जामिन इट, वी विल टेक अप द मैटर विद द एस्टैब्लिशमेंट, और जब जरूरत होगी तो हम लीगल एक्शन भी लेंगे। जम्मू कश्मीर के जितने भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, मुलाजिम हैं, जहां भी पीएफ एक्ट लागू है उनको पेंशन स्कीम का फायदा होगा, इंश्योरेंस स्कीम का बेनिफिट मैक्सिमम 7 लाख का इंश्योरेंस है इन द इवन ऑफ डेथ, और 2.5 लाख मिनिमम इंश्योरेंस है 1 साल की कंट्रीब्यूटरी सर्विस पे। हर वर्कर की जिसका भी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन आया है, एक दिन भी अगर पैसा आया, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ को या हस्बैंड है लेडी मेंबर के केस में, उसको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी। और अगर डिसेबलमेंट हो जाता है किसी वर्कर का, एक्सीडेंट हो जाए और उसको डिसेबलमेंट हो जाए, उसको भी डे वन से, जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ उस दिन से लाइफ लॉन्ग पेंशन का प्रोविजन है। उसके बाद उनकी डेथ के बाद फैमिली को पेंशन का प्रोविजन, डेट वगैरह है कोई लास्ट डेट नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है, तो स्कीम इंप्लीमेंट इसमें कोई लास्ट डेट नहीं है। हाँ, उनको लेकिन 10 साल की कंट्रीब्यूटरी सर्विस होने पर रिटायरमेंट पेंशन जिसको बोलते हैं, सुपर एनुएशन का एंटाइटलमेंट है, लेकिन 58 साल पे पेंशन मिलती है। अगर इम्प्लॉय चाहे तो 50 साल की उम्र पर भी पेंशन ले सकता है, उसे अर्ली पेंशन कहते हैं। तो बहुत से फायदे हैं जो होने वाले हैं लोगों को, लेकिन उनको रेगुलर पीएफ भरना होगा एम्प्लॉयर को इसके लिए। मैं ये चाहता हूं कि सारे मुलाजिम अपना राइट है पेंशन का, प्रोविडेंट फंड का, इंश्योरेंस का, उसके प्रति जागरूक रहें और अपना आगे बढ़ के अपने एम्प्लॉयर से इसकी गुजारिश करें कि वो उनको मेंबर बनाए। अगर कोई इशू है तो वो डायरेक्टली हमें भी अप्रोच कर सकते हैं। मैं एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करूँ कि बहुत से ऐसे एस्टैब्लिशमेंट हैं जो अभी पीएफ नहीं भर रहे हैं और बहुत से उनके पास फ्लिमजी रीजंस भी वो बताते हैं, वो मैं उस पर आने वाले वक्त में थोड़ा सा सख्ती भी हम करेंगे,
इसलिए वो आगे बढ़े, क्योंकि अगर वो लेट करेंगे प्रोविडेंट फंड की और पेंशन की अमाउंट जमा करने में, उनको हैवी पेनल्टीज लग सकती है, डैमेजेस लग सकते हैं, इंटरेस्ट का भी लाइबिलिटी है। तो वो इससे बचने के लिए वक्त पे पैसा जमा करें। और बहुत से लोगों ने आज भी हमसे प्रॉमिस किया, उनको मेल्स गए, दे हैव प्रॉमिस। पिछले 7 दिनों में कई लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हम पैसा भर रहे हैं, उसका प्रूफ भी दिया। किसी ने 5 लाख भरा, किसी ने अभी आज एक 28,000 रुपए एक वाणी कंस्ट्रक्शन करके हैं वो आज भरने वाले हैं, मुझे बोल रहे थे। बाकी मैं फिर अभी इसके बाद तुरंत मैं फॉलो अप करूंगा लोगों से जिन्होंने पैसा नहीं भरा, उनको मैं लगातार मेल जा रहे हैं और उनको फिर कम्युनिकेट करने के बाद हम सेक्शन 7 में इंक्वायरीज भी इनिशिएट करेंगे, सेक्शन 14 भी में डैमेजेस भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और आज अभी लिस्ट दीजिए, शाम तक विद इन 10 डेज उनका पैसा हम निकलवा देंगे। गिव मी द लिस्ट, आई विल हेल्प देम। जो भी इश्यूज होंगे उन्हें भी सॉल्व करेंगे।